प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70 करोड़ रुपए की राशि से बनने वाली 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें गांव खेड़ी रामनगर में 40 करोड़ की लागत से बनेगा नर्सिंग कॉलेज, 8 करोड़ की लागत से द्रोणाचार्य स्टेडियम में बनेगा सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, 7 करोड़ 36 लाख की लागत से रेलवे ओवर ब्रिज के रेलवे रोड पर भी बनेगा नया पुल। कुरुक्षेत्र जिला में 8 परियोजनाओं की जो सीएम साहब की अनाउंसमेंट थी, और वो सभी जो 5 करोड़ से ऊपर के बजट के कार्यक्रम थे, हमने आज की शुरुआत भी की है और किसी को पूर्ण करने का भी आज ओपनिंग भी की है। मुख्यमंत्री जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चंडीगढ़ से, और ये जो मेजर प्रोजेक्ट कुरुक्षेत्र जिला में थे, इन सभी के पूरा होने से, उनके बढ़ने से इस इलाके के लोगों को बहुत सी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सबका साथ और सबका विकास का नारा देकर हरियाणा में सरकार बनाई थी, उस नारे को चरितार्थ करते हुए अन्य सरकारों के 10-10 साल के कार्यकाल में से ज़्यादा हम 4.5 साल के कार्यकाल के अंदर हमारे घोषणाएं पूरी करने में हम कामयाब हुए हैं। और हम मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने विधायक साथियों की तरफ से, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों की तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हरियाणा सरकार का दिल की गहराइयों से कुरुक्षेत्र जिला की ओर से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने 122 करोड़ रुपए की कुरुक्षेत्र को सौगात दी, जिसके तहत मैं मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने खास तौर पे थानेश्वर पे 42 करोड़ रुपए का नर्सिंग कॉलेज, जहां पर हम इस जगह पे खड़े हैं, 7.5 करोड़ की लागत से यहाँ पर एक लेग उतार रहे हैं। ये व्यापारियों की बहुत दिनों से डिमांड थी, रेलवे में जो यात्री जाते थे उनकी बहुत बड़ी डिमांड थी, उन्होंने आज दी। इसी तरह 7.5 करोड़ की लागत से हमारा सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक्स को स्टेडियम में बनने जा रहा है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि 1966 के बाद पहली बार कुरुक्षेत्र अथनेश्वर में विधानसभा में इतनी डेवलपमेंट हुई है। आज तक मेरे से पहले भी बहुत से मंत्री आए, बहुत से विधायक आए, जितनी मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खास तौर पे कुरुक्षेत्र के लिए कृष्णा सर्कल में लिया, 97.50 करोड़ रुपये दिया, लगभग 600 करोड़ रुपये के हमारा क्षेत्र में लग गया है, और 500 करोड़ रुपये की हमें अलग से एक क्षेत्र में आयुष नर्सी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमें दी है। तो मैं कहूँ आज जो शिकायत दी गई है थानेश्वर के अंदर 42 करोड़ की लागत से हमारा नर्सिंग कॉलेज, इसके साथ साथ एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक्स 7.5 करोड़ रुपए का, एक जहां पर हम खड़े हैं एक लैग यहां से उतरेगी, ये लगभग 8 करोड़ रुपए की 3 जो घोषणाएं हमें आज थानेश्वर विधानसभा में दी है। टोटल 122 करोड़ रुपया हमारे डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने आज जो शिलान्यास रखे। मैं तो ये कहूँगा कि जो फाइल मैं जीवन के अंदर बहुत समय से राजनीति कर रहा था, और जो फाइल मुख्यमंत्री जी के बाद डेवलपमेंट की मैं लेके गया हूँ, कभी मुख्यमंत्री जी ने हमें मना नहीं किया। आज 4 जून की रैली में जो जो हमने घोषणा कराई थी वो आपके सामने हमने करवा दी। उसके अलावा भी 500 करोड़ से हमने एक आयुष्टी किस प्रकार से मैं लड़के लाया हूँ, आप लोग सब जानते हैं, कितने विधायकों में मंत्रियों में हमारा आपस में प्यार से छीनातानी हुई, उसके तहत भी फिर भी क्षेत्र में आयुष्टी आई। तो बहुत सी चीज़ें आज क्षेत्र के निवासी, आप देखो रेलवे रोड जब आते हैं लोग कहते हैं लंदन में आ गए, कोई कहता है न्यूजीलैंड में आ गए कहीं, और इसी तरह हमारी जो रोड्स है KDP रोड, आपकी झांसा रोड, आपकी पिपली रोड 6 लाइन, टोटल रोड्स का हमने पूरा डेवलपमेंट कराया है। इसी तरह ब्रह्मसोर का चलता पानी, ज्योतिसर का चलता पानी, यहाँ पर हॉस्पिटल हमने 200 बेड का यहाँ पे करवा दिया, 100 बेड का बन गया है, 100 बेड का और बन रहा है। बहुत सी घोषणाएं हैं, हमारा गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स का, जो मेरी बेटियाँ पानीपत और बाहर जाती थी, वो भी कॉलेज तैयार हो गया है, उसका भी हमने क्या क्लासेस हमने 8 सेक्टर में लगा दी है, अप्रैल में क्लासेस वहाँ लगने शुरू हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा, बेटियों के लिए बहुत कुछ दे दिया उन्होंने, नर्सिंग कॉलेज दे दिया, गवर्नमेंट कॉलेज दे दिया, एक आयुष सस्ती दे दी, और अभी आदरणीय एजुकेशन मिनिस्टर में मैंने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी, जो हमारी बेटियाँ सिटी के अंदर हमारा गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें सुबह शाम 2 टाइम क्लासेस लगती थी, उसके लिए भी सेक्शन कर दिया है, उसका काम भी तुरंत शुरू हो जाएगा, 1 साल के अंदर वो भी कम्प्लीट हो जाएगा। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।